प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राज योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप के चौथे दिन दुर्ग जिला SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव बच्चों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिसे देख बच्चे बहुत खुश हुए और अपने मन की जिज्ञासाओं को उनसे सवालों के रूप में पूछा। उत्कर्ष समर कैंप के चौथे दिन को कॉन्फिडेंस डे आत्मविश्वास दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर अभिषेक पल्लव SP दुर्ग ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल और TV 1 घंटे से ज़्यादा न देखें, इससे सिरदर्द की समस्या होती है। मोबाइल या सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज ना दें, जितना हो सके लोगों से डायरेक्ट मिलकर गुड मॉर्निंग नमस्ते करें। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हुए कहा, आप सभी अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखेंगे तो प्रोफाइल हैकिंग से बचेंगे। जीवन में सफल होने के लिए धैर्यता बहुत ज़रूरी है। हमें जीवन में मिली असफलता ही मजबूत बनाती है। सोना चांदी भी तब के ही चमकते हैं, जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने DDD डेडिकेशन डिसिप्लिन डिवोशन मतलब अनुशासन कड़ी मेहनत लगन से ही जीवन में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि खुद का फीडबैक ले प्रतिदिन सोने के पूर्व अपने सभी बच्चों से आग्रह किया। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बच्चों से आग्रह किया कि सोने के पूर्व सभी बच्चे खुलकर अपने मन की बात परेशानियां पेरेंट्स के साथ शेयर करें और पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाए नहीं। पेरेंट्स को बताए नहीं पाओगे तो पेरेंट्स सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। यदि आप खुल के सही चीज घर वालों को बताओगे तो कोई पेरेंट बुरा नहीं मानता। हमें अपनी कोई बात पेरेंट्स से छिपानी नहीं चाहिए। आजकल जितना बच्चे भी एग्जाम का टाइम है, कल नीट का भी एग्जाम था, आज नीट का एग्जाम है 2:30 बजे से मेडिकल का, एक बालक ने आत्महत्या कर ली और उस पेरेंट पर क्या बीतेगी आप लोग समझ नहीं सकते हो। रो रो के उनका हालत खराब था, रात भर से लेके सुबह तक खाने में रो रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि आपका पढ़ाई इस साल नहीं हुई आप अगले साल पढ़ाई कर सकते हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, खुदा की भगवान की दी हुई जिंदगी है, ये कोई 1-2 साल की जिंदगी नहीं है। अब जब तक हमें जीना है, अच्छा काम करना है। यदि हम पढ़ाई किए और सफल नहीं हुए तो कोई क्षण की बात नहीं है। क्षण की बात तब आपके पेरेंट्स को तब शर्मिंदगी होगी जब आप नशा करते हुए पकड़े गए, जब आप चाकूबाजी करते हुए पकड़े गए, जब आप लड़कियों को लड़कों को छेड़ते हुए पकड़े गए, जब आप गलत काम करते हुए पकड़े गए। यदि कोई बच्चा पढ़ा और सफल नहीं हुआ तो घर वालों के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 5.5 साल का MBBS कोर्स मैंने 6.5 साल में किया, लेकिन जब 6 साल बाद मैंने सिविल सर्विस UPSC का एग्जाम दिया तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस रखा, जो 2005 में मैंने छोड़ दिया था 5 साल बाद। तो बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने और पढ़ने में कोई शर्माए नहीं। हमें जो काम करना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम अपने घर वालों को स्पष्ट रूप में बताएं। यदि आप सही चीज अपने घर वालों को बताओगे तो कभी पेरेंट्स आपको कभी टाइम सपोर्ट करेंगे। उनका गुस्सा हो सकता है यदि आपने अच्छा नहीं किया तो, लेकिन वो तनिक समय का गुस्सा है, बाद में उनका प्यार ही आपके सामने आएगा। यदि आप फेल हो गए हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए शर्म की बात तब होगी जब आप नशा करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। पेरेंट्स क्षणिक भर के लिए आप पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर प्यार ही प्यार है, इसलिए सुसाइड का सोचो भी मत। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के इन वक्तव्यों के साथ ब्रह्मा कुमारी प्राची वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका एवं राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर ने चल रहे उत्कर्ष समर कैंप की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। पेरेंट्स का भी अनुभव कि जब बच्चे इतना बदल रहे तो आप हमारे लिए भी कुछ करो, तो साथ में हमने फिर पेरेंट्स के लिए भी क्लासेस शुरू की। तो हमें बहुत खुशी है कि आज के समय में जब बच्चों के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो बच्चों के तुरंत जल्दी ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बच्चे सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस तो है ही, ऐसे समय में हम बच्चों के लिए कुछ एक बेहतर परिवर्तन के लिए कुछ दे पा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स भी स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, घर का माहौल बदल रहा है। ये सब करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू। ओम शांति। पिछले करीब 23 वर्षों से अधिक समय से
हम समर कैंप बच्चों के लिए करते आ रहे हैं और इस सफल यात्रा के हमारे बहुत सारे अनुभवों से हमने जो कुछ सीखा है, इस वर्ष हम जो 4 मई से समर कैंप शुरू किए हैं उत्कर्ष, इसमें हम बच्चों को बहुत कुछ दे पा रहे हैं जिससे बच्चों में बहुत चेंजेस आज तक आए हैं और आ रहे हैं। आज भी पेरेंट्स हमें कह रहे थे कि जैसे इन 4 दिनों में तो हमारे घर में जैसे खुशबू महक रही है। जो बच्चा मोबाइल हमेशा मोबाइल में लगा रहता था, वो बच्चे ने मोबाइल नहीं छुआ 4 दिनों में। सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को इस बात की थी कि बच्चा जो है वो बिना टीवी देखे खाने खाने लगा है। आप जो कह रहे हो वो सब बच्चे कर रहे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं। तो आज भी जो गेस्ट आए उन्होंने यही कहा कि इतने सारे बच्चे, 500 बच्चे एक साथ बैठे इतने शांति से, तो इस माहौल में बच्चे इन सब बातों को बहुत जल्दी समझते हैं, अंदर उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं और मेडिटेशन से अपने जीवन को बदल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित किए गए समर कैंप के प्रत्येक दिन को अलग अलग रूप में मनाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।